कल इस जगह पे तकरीबन दो दो फुट पानी था, दो फुट डेढ़ फुट पानी था, लेकिन जैसे बारिश रुकी है इन्होंने वो जो नाले हैं वो खोल दिए थे, इसलिए पानी ख़त्म हो गया। और बारिश में कल तकरीबन मुझे दो घंटे यहाँ पर वेट करना पड़ा। तो आज मौसम साफ है, अगले भी तीन चार दिन साफ ही है, तो लेकिन काफ़ी जगह बंद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त दोस्तों ने कल इस जगह पे काफ़ी सारा पानी था। हमने मेरी लास्ट वीडियो में भी जाकर देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना ज़्यादा पानी था। तो आज भी कल भी ड्यूटी पे नहीं गए और आज भी ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद में खुद अनाउंस किया था अगर आप जा सकते हो तो जाओ, नहीं जा सकते तो नहीं जाओ। तो अभी इसलिए यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर बाहर निकले हैं, तो अभी देखते हैं आगे और वर्षा की तरफ भी चलते हैं बाइक लेके। तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि आपके शेयर करने से और आपके कमेंट्स से पता चलता है कि वीडियो कैसी बनी है। और जैसे जैसे बारिश है या जहाँ जहाँ जा रहे हैं आपको सब अपडेट कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, मज़ा आएगा ना। रूम से निकल पड़े हैं, रूम से तो अभी देखते हैं उठते हैं क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी यहाँ से लेते हैं चाय, तो बाहर तो देख रहे हैं कि सारा सूखा पड़ा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। कल इस जगह पर तकरीबन पहले मैंने बताया जाए कि दो फुट पानी था, तो आज पानी नहीं है, अभी पानी नहीं है। तो ड्यूटी पर तो कल भी नहीं गए, आपको बताया मैंने, तो अभी भी ड्यूटी पर नहीं जाएंगे आज, क्योंकि हर जगह पर जगह जगह पर एरिया में पानी खड़ा है। तो ये एरिया तो दो तीन मार्केट लगती है जहाँ पर इसलिए पानी निकाल देते हैं, और किसी किसी जगह पर निकासी है, किसी किसी जगह पर पानी की निकासी नहीं है। और ये परिंदे तो फिर आपको पता ही है, तो पूरे दुबई, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा जो परिंदे हैं वो दुबई में कबूतर ही हैं, जो आगे ग्रैंड सिटी मॉल के पास आ चुके हैं। तो इधर मेरे एक दोस्त की गाड़ी ख़राब हुई है पानी की वजह से, तो पानी उनके सिलेंसर में पानी इंटर हो गया था, तो इसलिए वो बंद हो गई। तो अभी आगे देखते हैं क्या बनता है और कहाँ जाते हैं। तो वर्षा की तरफ जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया हो तो वहाँ पर चलते हैं। अभी भी ये देखिए आगे थोड़ा सा आपको बता रहा था, तो ये वर्षा का मेन सिग्नल है इधर पास, सॉरी वर्षा बोल दी मैंने, अलकोज का मेन सिग्नल है, तो ये भी ख़राब हुआ है सिर्फ इसी ट्रैफिक की वजह से। फिलहाल हम ये ट्रैफिक कोड बंद किया है या ख़राब हुआ है, लेकिन एक भाई इसके अंदर खड़ा हुआ है, तो वो इसे आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। लेकिन दो तीन आसपास में दो तीन जगह पे इतना ज़्यादा पानी जमा है, वहाँ पर तो नहीं जा पाएंगे, वो पानी के ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं या जो जो हो रहा है उसके हिसाब से तो ये लग रहा है बहुत ज़्यादा पानी है। और ये सिग्नल पर देखिए, मेन सिग्नल के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि दोस्त दूसरी तरफ खड़े। अभी चलते हैं माल के अंदर, तो वहाँ से मोबाइल का कवर लेना है, कवर भी और ग्लास भी लेना है, शायद मिले या नहीं मिले आपको पता ही है मेरे पास न्यू फ़ोन है, तो मैंने पहले भी अपने फ़ोन के बारे में बताया कि मेरे पास 150 है, तो
उसका कर्व डिस्प्ले है तो उसकी स्पेशली ग्लास लेना पड़ता है। तो इसके बाद तो फिर चलते हैं बर्षा में, तो वहाँ का भी आपको सैर, वहाँ की भी आपको सैर कराता हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तकरीबन